राजकीय उद्यान चंद्रशेखर आजाद पार्क में चल रहे गुलदाउदी एवं कोलियस पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन प्रदर्शनी में विजेताओं को पुरस्कार वितरण उपनिदेशक उड़ान प्रयागराज मंडल डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी द्वारा किया गया। सरकारी एवं अर्ध सरकारी वर्ग में बड़े फूल वाली गुलदाउदी श्रेणी में सर्वोत्तम पुरस्कार हाईकोर्ट उद्यान इकाई को, छोटे फूल वाली गुलदाउदी वर्ग में सर्वोत्तम पुरस्कार बैंडस्टैंड उद्यान इकाई को तथा कोलियस वर्ग में सर्वोत्तम पुरस्कार अंगूर उद्यान इकाई को प्रदान किया गया। प्राइवेट वर्ग में बड़े फूल एवं छोटे फूल दोनों श्रेणियों में सर्वोत्तम पुरस्कार डॉक्टर अजय केसरवानी कटघर प्रयागराज को तथा कोलियस श्रेणी में अमन अशोक नगर प्रयागराज को प्रदान किया गया। पूरे गुलदाउदी एवं कोलियस प्रदर्शनी का ओवरऑल चैंपियन राजकीय उद्यान के बैंडस्टैंड उद्यान इकाई को शील्ड प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में अधीक्षक उमेश चंद्र उत्तम, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक पवन पांडे, कविता गुप्ता सहायक लेखाकार, अजय यादव सहायक उद्यान निरीक्षक तथा खुसरो बाग के उद्यान विशेषज्ञ बीके सिंह, उद्यान विशेषज्ञ वंदना बोहरा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। अधीक्षक उमेश उत्तम द्वारा बताया गया कि आगामी मंडली साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी फरवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत सभी से अनुरोध है कि अभी से प्रदर्शनी में अच्छे प्रदर्शन लाने हेतु तैयारी शुरू कर दें तथा प्रदर्शनी को यादगार बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। इसकी तो तैयारी वही करवा। उधर बड़े फूल थे, इधर छोटे छोटे वाले। अभी इधर हो इसकी तो तैयारी वही करवा।